हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें जाना है गांव में, क्योंकि वहां पर दिवाली आज है। तो अभी हम रेडी होते हैं फटाफट, और ये देखो नोनू को उठा रहे हैं। और नोनू कैसे कर रही है, रात को तो 2 बजे तक इसे नींद नहीं आ रही थी, वीडियो में लग रही थी, फुप्पू एक वीडियो दे दो, फुप्पू ये वाली वीडियो कर दो, और अब सो रही है और अथर्व भी सो रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको, और उसके बाद रेडी होकर फिर चलते हैं गाँव। अरे वो डिलीट किसने कर दी है? ओहो, रात क्या हो रहा था? मैं 2 बजे तक डिलीट फोटो डिलीट होगी। मैं सारे मुझे पता, मेरे फोन का तो लॉक लग रहा, किसी को खोलना आता ही नहीं। किसका? एक मिनट, आज ही खोल रहा। अपनी दादी घर जा रहे हूँ, फिर दिन में खेल लेते हैं। नहीं नहीं, सो जान दे, सो जान दे, चलो चलो चलो। अथर्व ने वीरोनिका को बड़े प्यार से पास बुलाया और फिर कह रहा, पाटो नहीं बोलते, बहन बोलते हैं दीदी को। नहीं, भैंस बोलते। भैंस? भैंस बता रहे हैं ये तो। तो यहाँ सुबह सुबह नाश्ते में पकोड़े खाते हुए, ये कौन सी चटनी है? ग्रीन, ये है ऑरेंज। पकोड़ा बना रहे थे? ए भाभी जी बना रही। इन्होंने एकदम ही साइड में को रख दिए। तो भाई यहाँ ब्रेकफास्ट हुआ शुरू, और बिना नहाए नहीं खा नहीं रही। अच्छा, वैसी मेहंदी दिखा रही है। नहीं, नहा लिए सर। आपके लिए बड़ी प्लेट ली थी। मैं कोई ना कोई ना, मैंने कहा चाय पी लोगे आप? सब मेरे पेट्रोल की और अच्छा हो जाए। ये नुगैरी कल गए, मैंने कहा गाल पे मारूंगी अभी। ताजे इन्होंने एकदम छोड़ दिए। इन्होंने नोनू नगाए कल के हैं। यहाँ एंड मोमेंट पे नोनू रेडी होते हुए, चल वीरोनिका जल्दी बाहर चल, आ गए तुम, बड़े चालू हो रहे हैं। सीट एक्सचेंज, हाँ आप सारे पीछे आ जाओ, आगे क्या करोगे जा बैठ के। बस अब सारे ही चल बैठ जाओ, फिर आगे चल। तो तू चले जा पीछे जा, डर लगे। एक ही रहने दे, एक ही ना, सही है, आगे बैठ जाते, बैठ जाओ, सही लग रहा। अच्छा, हमने करी सीट चेंज, और ये ब्रिटिश पुल अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ। हाँ, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है ये। अंग्रेज के ही बसे में थे यहाँ के। हाँ, तो अब हम गांव पहुँचने वाले हैं अपने। तो कैसा लग रहा है मैडम, आपको चश्मा वश्मा लगा कर जैसे आप बैठी हो? रुको, कितने सारे बुगले, बुगले पकड़ूंगा। पकड़े नहीं जाते बैठे, तो उड़ जावे तुझे पकड़ लेंगे। ये जैसे ही आप इनके पास जाओगे सारे उड़ जाएंगे। एक दिन गांव के नाम है। तो भाई आखिरकार पहुंच गए गांव में, और खेतों के बीच में अभी हम, और अभी जा रहे हैं देवताओं पर। और ये देखो अथर्व भी आज हमारे साथ आया है। अथर्व शर्माता है वीडियो में, और एक हमें देखो गाइस, और ये देखो पीछे से सामान लेकर आ रहे हैं। हाँ, ये बीच में यहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती यहाँ ना। पैसे लाई तुम? बताओ, मेरे से पूछ रहे क्या? एक गृहिणी का क्या काम है? पैसे लाने का काम है गृहिणी का, तो पूजा कहाँ का काम है? ग्रह जमा ऋणी। ओ गृहिणी, चलो चलो, वो बज गया लगता है, बज रहा ढोल, चलो आ रहे लोग। तो नोनू जी, आपको कैसा लग रहा है खेतों के बीच में पैदल पैदल चलकर? अपने को आज मैं खेतों में तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। बोले रे, बोले पापा भी बोले, हमारा खेत है। पता नहीं बाबू, हमें नॉलेज नहीं है किस किस का खेत कहाँ है। हाँ, गन्ने, शुगर केन, लाल गन्ने नहीं है ये, लाल तो है, लाल तो है। सारे शांत हो जाएंगे। चलो चलो, भीड़ है, बिल्कुल खाली है आज। भीड़ थी, लाए चलो आओ। सो गाइस, अब सब पूजा करने जा रहे हैं। ये को मिट्टी में जाओ, पूजा करके आएंगे, तब आपको दिखाएंगे।
और ये देखो कैसे खेल रहे हैं मिट्टी में। क्या कर रहे हो दोनों? ये क्या गेम है? चलो देख, तेरे उन्नीस सारे गंदे हो गए। हैंड वॉश करो, चलो आओ। सिर पे भी गंदा हो गया। एक जगह की पूजा हुई कंप्लीट और अब चलते हैं आगे। फोटो खिंचवाने के बाद और खेतों में वीडियो बनाने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिशन पर, यानी कि अगले देवताओं पर। अच्छा, अगले भी देवता है? हाँ। ऐसे जंगलों के बीच में है, यहाँ हो सकते थे वो शॉट। ये भी हमारा ही है, यहाँ हो सकते थे वो वाले शॉट। चलो भाई, ये है प्राचीन सिद्धपीठ भैरव बाबा का मंदिर हमारे गांव में। तो अभी हमने यहाँ दर्शन किए। गन्ने तोड़ोगे? हाँ, रियाज भी चला मामा के पास कि गन्ने तोड़वा दूँ मामा के साथ। ये पत्ती आए बाबू, खून निकाल देंगी। लो तोड़ लियो इन्हें बीच में से। रुक जा रुक जा रुक जा। आई पूरे जोश में और यहाँ गन्ने टूटने शुरू हुए। ये देखो, ये हाँ ये है तरीका। ये देख, जहाँ जोड़ है ना वहाँ पर कर दो एकदम कटाक, देसी टूट जाएगा। शाबाश। बस बस ऐसे ही मोड़ के रख ले इसे, यहाँ से भी मोड़ दे। मेरे कपड़े गंदे हो गए यार। फुप्पू को देखना कैसे तोड़ रहे है। बस तो फिर भी निकल रहा। अरे पैरों से वो हो जावे। मैं थोड़े दिन गांव में रह के पूरे परफेक्ट से हो जाओगे आप गन्ने वन्ने तोड़ने में। ये है देसी जुगाड़। ये तो जुड़ा जुगाड़ बना ही नहीं। एक पत्ती और लेके आओ ना। ये देखो बड़ी सी। हाँ तोड़ो। हाथ काट दे भाई। वो पता ना, हमें तो पता ही नहीं, हम तो रह नहीं गाँव में। कई बार कटवाई क्रिकेट खेलते हुए। चश्मा तोड़ो थी क्या? जोश, गांव का जोश। सारे बच्चे बैठ गए ट्यूबवेल में मस्ती करने। चलो वीरो निकल यहाँ, चलो जल्दी। चलो बेटे, चलो 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 चलो। सारे के सारे निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे ट्यूबवेल में से। चलो जल्दी, देर हो गई। यहाँ ट्यूबवेल चल रही है और सब बैठ गए इसके अंदर कि हम तो यहीं ना कर जाएंगे। ये देखो, मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। जल्दी आ। नहीं है बाबू वहाँ पे? पकड़ लूंगा, पकड़ लूंगा खाने के लिए। खाता है तू मछली? गाँव को कर दी बाय बाय और पापा बेटी बैठ गए एक साथ। बाय 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 नोनू। अभी हम आ गए हैं चाट खाने के लिए और सब कर रहे हैं चाट का वेट। वीरोनिका के पेट में चूहे घूम रहे हैं और वीरोनिका पर चाट खाने के लिए नहीं मिलती है। ये देखो, हाँ गोलगप्पे खा ले। गोलगप्पे तुम्हारी खाती रहती है, टिक्कियाँ की अच्छी हैं। गोलगप्पे तो मैं कभी ना खाऊं। नोनू गोलगप्पे कितने खाएगी बाबू? नोनू कह रही है जब से मैंने आपके साथ गोलगप्पे चैलेंज करा है, जब से मैंने गोलगप्पे नहीं खाए। बुआ इधर से उधर हो जाए पर मैं गोलगप्पे नहीं खाती हूँ। फुप्पू यूँ कह रहा कि बुआ आप, फुप्पू आपको और भैया को खिलाते रहते हैं बर्गर पिज्जा। मैंने वीडियो देखता हूँ मैं आपकी सारी। बर्गर ही हो रहा है देखो। ये बर्गर हो रहा है। रियांश को, रियांश को कह रहे, रियांश पापा कैसे कह रहे तो अरे आलू टिक्की बर्गर की, बर्गर के अंदर जो टिक्की लगाते हैं। खुल खुल के बैठो आराम से जरा। हाँ हाँ हाँ, ये देख ये देख ये देख ये देख। टिक्की का नहीं, दही की पकौड़ी। दही वाला है ना? तो ये आई टिक्की। मीरू कैसी है? यमी है। अथर बर्गर कैसा है? अच्छा है। ब्याज कैसी लगी? क्यों
रोमे बाय 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 बाय, मैं सब्जी ले रहे सारे, चलो बाय 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 गाइस, बाय गाइस, ये हो रही यूट्यूबर है को धक्के मार मार के भगा रही है, मैं धक्के मार मार के भगा रही हूं। हाँ एकदम, हमारा गेट भी एकदम बंद कर दिया कि अभी हम मतलब दो मिनट रुक जावे यहाँ। चले फूल से बरस गए हमारी गाड़ी के ऊपर, ये बात अलग है, पत्ते हैं ये। फांस आ गया, सब बैठ गए कार में और अब चलते हैं दिवाली पूजन के लिए मोरना, मोरना दादी के घर, ददिहाल, ननिहाल का ददिहाल है। वहाँ क्या खाएंगे बाबा जी से? पिज़्ज़ा। ये बहुत चालू हो रहे दोनों फोन पे, बाबा जी पिज़्ज़ा खिला दो, बाबा जी गार्लिक ब्रेड का खाएंगे, बाबा जी ये खाएंगे, सब जगह से सेट करके चलते हैं दोनों। बंद है क्या? यस, रोड हुई बंद, हमने पहले ही कहा था, बड़ा खतरनाक लगा रखा। चलो चलो भाई चलो। तो भाई अब हम चले घर की ओर, ये आ गई परिधि, दर्द हो रहा बहुत। बड़े भाई का फायदा उठा रहा है, आज हाथ दबा रहा, मैंने वीडियो बनानी शुरू करी, तुमने हाथ दबाना ही छोड़ दिया। फ्रेंड्स हम आ गए थे घर और आने के बाद मम्मी जी ने कहा सबसे पहले रेडी हो जाओ, पूजा कर लेते हैं क्योंकि आज का टाइम है सिर्फ 6 बजे तक का। तो अभी हम रेडी हो गए हैं, विरोनिका यहाँ नीचे चले गए हैं रेडी होकर, और ये भी रेडी होकर नीचे चले गए हैं। अब मैं भी रेडी हो गई हूँ और मैं भी जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पापा जी ने लिए लिफाफे बांटने के लिए, हिसाब लगा रहे पापा बच्चे जितने हैं उतने लिफाफे भी हैं या नहीं है। लो भैया, भैया आधे आधे हैं इसमें से, सबके में से आधे आधे भाभी जी के और मेरे हैं, सबके में से आधे आधे भाभी जी के और मेरे हैं, हिसाब लगा लो। देख कर यहाँ से नहीं थैंक यू बोला, ले भाई मीरू, भाभी जी आप कर मेरा लिफाफा नहीं है यहाँ से, हम तो वैसे ही मांग रहे हैं इनमें से। भाई सब में से आधे आधे हमें दो, इनके ही हैं सब, ना भाई इन पर नाम लिखा हुआ, इनमें हमारा नहीं है नाम, भाभी जी देख लो, या तो इस पर लिखा जाता उत्कर्ष अंशुला और उस पर लिखा जाता अजेंद्र ज्योति, है नहीं? भाई अपने अपने हो रहे, परिधि मुस्कुरा रही हमें देख देख, कहीं कहीं दोनों को नहीं मिला। ओहो ये तो धोखा हो गया रियांश के साथ, रियांश ने सोचा लिफाफा देना पड़ रहा भाई। फ्रेंड्स पूजा हुई खत्म और अब चलते हैं क्रैकर्स चलाने के लिए, तो अभी हम चेंज कर लेते हैं और फिर चलाएंगे क्रैकर्स, क्योंकि साड़ी में आग लगने का डर रहता है ना, इसलिए हम चेंज करके फिर चलाएंगे क्रैकर्स। बोल लो कुछ हैप्पी दिवाली वगैरह, हैप्पी दिवाली। आराम से खड़े हो, सुन रहे हो मुझे? नहीं पटाखे फोड़ते हैं अभी, अभी तो अभी दिखाएंगे, तो अभी हम चेंज, मैं ही चेंज करती हूँ, आप भी चेंज करोगे? नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे पटाखे फोड़ूंगा। हाँ तो मैं अभी चेंज कर फिर चलाएंगे क्रैकर्स, फिर मिलते हैं। अभी हम आ गए हैं दुकान पर पूजा करने के लिए और उसके बाद क्रैकर्स भी यहीं चलाएंगे। रियांश ने किए कपड़े चेंज और आ गया पटाखे चलाने के लिए। ये जला ले परिधि, आराम से चलाइए बाबू, इधर से इधर से, उल्टा ही पकड़ लिया। चल वीरू तू भी चला, वीरू और क्रैकर्स नहीं चलाने क्या हैं? सब चला रहे हैं पटाखे।
और मम्मी जी बैठ गई अंदर जाकर दुकान पर। आज का कार्यभार संभाला मम्मी जी ने और पापा जी बैठ गए बाहर आकर। मैंने तो दो तीन बार कहा। हो गया दिवाली सेलिब्रेशन। चलो खाते हैं खाना घर जाकर। ये तो भाई क्रैकर्स तो चल गए, अब खाते हैं खाना घर चलते हैं और सब खाएंगे खाना। और पता है भैया सो गए और हमें घर के बाहर ही देना पड़ेगा आज। खोल दिया, उठ गए भैया। चलो अब देखते हैं खाना क्या क्या बना है, खाना खाएंगे। हुआ डिनर शुरू। और क्या क्या खा रहे हो? शाही पनीर, पूरी, आलू गोभी भी है। ये भी है। आलू गोभी बता दिया मैंने, कैसा बन रहा है? ये खाना बनाया है भाभी जी ने। पसंद आना चाहिए। रियाज भाई बता कुछ रिव्यू देता ताई जी को है? बस रियाज तो यही रिव्यू देता है। वो तो मेरे से भी शेयर होगा। मैंने टाइम करवाई थोड़ी बहुत, सारी सब्जी तो बंदे बनाई भाई। भाई मम्मी चलो मैं पूरी बना दूं फटाफट। सब्जी का तो मुझे फिकर हो रहा था। और ज्योति कह रही थी अरे मम्मी तुम्हें खाने का फिकर हो रहा, मैं बना दूंगी। पनीर से कैसे बनाओगी सब्जी? बन जाएगी तो चिंता। मम्मी फोन पे भी कह रही थी भाई मुझे तो आता नहीं, ज्योति बना देगी।